हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। बंधुओं, आप सभी का संस्कार की बातें चैनल में स्वागत है और आज आपको शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाई। बंधुओं, आज मैं आपको सावन मास में आने वाली शिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जो कोई व्रत नहीं करता वे भी यदि शिवरात्रि की इस कथा को सुनेंगे तो भगवान शिव उनके सभी मनोरथ शीघ्र पूरे करेंगे और वे सदा ही भगवान शिव की कृपा के भागी बने रहेंगे। बंधुओं, सावन का पावन महीना चल रहा है। जो मनुष्य भी सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और शिवरात्रि की कथा को सुनते हैं, भगवान शिव शीघ्र अति शीघ्र उनके सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, देवों के देव महादेव का सबसे प्रिय महीना सावन चल रहा है। वैसे तो इस महीने का हर दिन बहुत शुभ है, लेकिन सावन सोमवार और शिवरात्रि का बहुत महत्व है। बंधुओं, सावन शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक या फिर जल अभिषेक करने का बहुत महत्व बताया गया है। शिवरात्रि के दिन रुद्र अभिषेक करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। बंधुओं, शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से मनुष्य को शिवलोक की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। बंधुओं, जैसे कि शिवरात्रि व्रत कथा के अनुसार शिकारी भी पाप मुक्त हो गया था और अगले जन्म में राजा बना। बंधुओं, शिवरात्रि का व्रत रखने से मनुष्य अगले जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेता है और राजा के समान जीवन जीता है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय। शिवरात्रि व्रत कथा। पूर्व काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कोई जानकारी ना थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरनी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था, हिरनी बोली, मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तुम तब मुझे मार देना। शिकारी ने हिरनी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया, हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ, अपने पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरी। ऐसे ही शिकारी ने अनजाने में ही
अंतिम पहर की भी पूजा कर ली। इस दौरान वहां एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरन आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार करूंगा ही। तब हिरन ने उससे निवेदन किया, मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरन को सुना दी। तब हिरन ने कहा, जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद ही हिरन और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गए। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत हैरानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसे ले जाने आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाया। शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाया। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बंधुओं, यदि आप जीवन में परेशान हैं या आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है, आर्थिक तंगी है, शारीरिक रोग है, या कोई मानसिक परेशानी है, या व्यापार नहीं चल रहा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आप शिवरात्रि व्रत करते हैं या शिवरात्रि की इस कथा को सुनते हैं, तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यदि आपका मन अशांत रहता है तो आपको शांति की प्राप्ति होगी। बंधुओं, शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। बंधुओं, या आप गंगा जल से या कच्चे दूध से, गन्ने के रस से, किसी भी वस्तु से भगवान शिव का अभिषेक करें। बंधुओं, आप जानते ही होंगे कि भगवान शिव का अभिषेक किन किन चीजों से किया जा सकता है। अधिक से अधिक भगवान शंकर को बेल पत्र चढ़ाएं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास रहे, बंधुओं, तो बेल पत्र चढ़ाना बहुत जरूरी है। बेल पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास रहता है। बंधुओं, गन्ने का रस चढ़ाने से भी लक्ष्मी जी का घर में स्थायी वास रहता है। इसलिए हो सके तो गन्ने का रस भी भगवान शंकर पर अवश्य अर्पित करें। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें, ताकि आपको भी सुनने वालों के पुण्य का फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।